देहरादून विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया। वंदे मातरम गीत के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने शोक प्रस्ताव रखा और प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। इस दौरान पूरे सदन ने पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। उन्होंने कहा कि तिवारी जी का निधन का अर्थ होने का मतलब एक का युग का समाप्त होना है। सीएम ने कहा कि एनडी तिवारी के समय पर उत्तराखंड को स्पेशल औद्योगिक पैकेज मिला था। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश के विकास कार्यों में तिवारी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं सदन में आज ही अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और इसके साथ ही कांग्रेस हर मुद्दे में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। कल से जो है विधिवत जो है सत्र प्रारंभ होगा। जहां तक आपने मुद्दों की बात कही, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज लोकायुक्त का विषय आप देख लीजिए, गैरसैंण का विषय आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं को अगर आप देखें वो आपके सामने है। आयुर्वेदिक के जो हमारे छात्र हैं, हाईकोर्ट का निर्णय आने के बावजूद भी जो है सरकार फीस उनकी वापसी नहीं कर रही है।